गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये देखिए आज आपका होमवर्क आ चुका है। डेट है आपकी 29 अप्रैल और आपकी क्लास है फर्स्ट। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और आपकी डेट डे है वेडनेसडे। तो देखिए आज का वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका फर्स्ट टॉपिक है राइट मंथ्स नेम एंड लर्न ऑल्सो। आप मंथ्स नेम पहले से ही जानते हैं और अगर जिस किसी को भी नहीं लर्न हो वो पहले लर्न कर ले और उसके बाद इनको लिखे। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर सच एज में डाला है जनवरी। तो जनवरी को देखिए सिंपल से अच्छे से याद करना है। जैन टुकड़ों में याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा और परमानेंट याद होगा। और आप देखेंगे कि स्पेलिंग क्या है हमें याद करनी है तो ध्यान नहीं रहेगी और आप हो सकता है मिस्टेक कर दें। तो देखिए हम पहले बोलेंगे जैन, JAN जैन। फिर क्या बोलेंगे हम, यू जैन जैन, JAN UU। फिर क्या आएगा, अरी, AR बाई अरी। तो इसका इस हिसाब से हम इसको 3 टाइम में 3 टुकड़ों में लर्न करेंगे तो ये स्पेलिंग हमें जल्दी लर्न होगी। ये देखिए ये मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें से जैसे देख के बनाऊंगी। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ जैन, JAN, ये हो गया जैन। फिर मैंने किया यू, फिर मैंने किया अरी। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न करें तो ये हमको जल्दी लर्न होगी। ऐसे ही देखिए मैं बताती हूँ, सेकंड जो स्पेलिंग आती है फेव। बहुत से बच्चे फेब की स्पेलिंग को ही मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए फेब, ब्रू, अरी। तो ये देखिए हम इस स्पेलिंग से इस स्पेलिंग को भी लर्न कर सकते हैं। जैसे ये जैन है तो ये फेब है, यू है तो ये रियू है, और ये अरी है तो ये भी अरी है, ये सेम सेम है। तो हम JAN UARY जनवरी, FEBRUARY फेब्रुवरी। इसी तरीके से आपको लास्ट दिसंबर तक ये स्पेलिंग याद करनी है और लिखनी भी है। जैसे फेब के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये देखिए ये आपका वर्क यहाँ क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यूज ऑफ AN। यूज ऑफ AN, अब यहाँ हम इससे पिछली वाली वर्क में हम सीख चुके हैं वॉवल और कॉन्सोनेंट। और जो हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट सीखी हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ यूज करना है ए और एन का, कि हमें कहाँ तो ए यूज करना है कहाँ एन। तो देखिए हमने जो वॉवल सीखे थे, वॉवल हमारे कितने होते हैं, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, 5। तो AEIOU, तो इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। हम किसी भी अपने रफ नोटबुक पर या सामने ऊपर साइड में या किसी भी जगह आप वॉवल्स को लिख लें, AEIOU इस तरीके से आप लिख लें। और कॉन्सोनेंट भी आपको पता ही है तो उनको भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप वॉवल से भी काम चला सकते हैं। और अब क्या करना है, यहाँ देखना है हमारा स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर क्या है। हमारा स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर है ओ, तो ये देखिए ओ बॉबिल में है। यस इट इज हियर, इट्स मीन इट इज बॉबिल। तो जाओ जो स्पेलिंग हमारी बॉबिल से स्टार्ट होती है उससे पहले हम यूज करते हैं एन का। क्या यूज करते हैं हम, एन। उसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे एम, क्या एम हमारा बॉबिल्स में है, नहीं है, तो हमें क्या यूज करना होगा यहाँ पर, ए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ए यूज कर देंगे। और यही सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है, सिर्फ आपको फर्स्ट लेटर देखना है कि ओ बॉबिल में है या नहीं, एम बॉबिल में है या नहीं, डब्ल्यू बॉबिल जो जब डब्ल्यू है वो बॉबिल में है या नहीं, एप्पल का ए बॉबिल में है या नहीं, वैन का वे बॉबिल में है या नहीं, अर्न का यू बॉबिल में है या नहीं, बनाना का बी बॉबिल में है या नहीं, और डॉग का डी बॉबिल में है या नहीं। अगर है तो आपको एन यूज करना है, और अगर बॉबिल में नहीं है तो आपको ए यूज करना है, जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है।
तो बेटा ये आज आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको कंप्लीट करना है, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस पर ध्यान दें। जनवरी फरवरी की स्पेलिंग को ऑलमोस्ट बच्चे रॉन्ग रॉन्ग लर्न करते हैं और लिखते भी रॉन्ग हैं, तो उसको अच्छे से याद करें। तो ओके, बाय, थैंक यू।